गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ज़ैनब अली फ्रॉम ज़ैनब कुक हाउस। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मुहर्रम में स्पेशल जो मटन खिचड़ा बनाया जाता है वो किस तरीके से बनाया जाता है और जिसे प्रिपेयर किया था राजधानी केटरर्स ने। सो गाइस, इसका जो प्रोसेस है थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप आप देखिए। ज़ैनब कुक हाउस को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिए आप, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन आए। ओके, इंग्रेडिएंट्स जो है वो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे चेक कर लें। तो यहाँ का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये सब दाल और राइस और बार्ले है, तो आपको ये पूरा जो है वो 10 घंटे तक भिगो के रखना है। जैसे बार्ले 300 ग्राम है, गेहूं 300 ग्राम है, चावल 100 ग्राम है, मिक्स दाल जैसे कि तुअर, मसूर, मूंग की दाल और चौलाई, ये है 300 ग्राम। ठीक है, तो ये बन रहा है 1-1.5 किलो के बीच में। आपको इसे अच्छे से बॉईल कर लेना है प्रेशर कुक में 7 विसल देने तक, बिकॉज इससे बहुत वक्त लगता है पकने के लिए। थोड़ा सा पानी डाल के आपका कंसिस्टेंसी आप देखें किस तरीके से इन्होंने कंसिस्टेंसी रखा है, उस तरीके का आपको रखना है। ये पूरी तरीके से मैश हो जाना चाहिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो दाल है जल्दी पके तो उसको 8-10 घंटे ओवरनाइट भिगो के रखें। अब दाल, राइस, चौलाई ये सब मिला के 1100 ग्राम होगा, तो आपको 1.5 किलो मटन लेना है, बकरे का मटन लेना है 1.5 किलो, बोन वाला, बोनलेस नहीं, बोन वाला आपको लेना है। उसके अंदर आपको डालना है प्याज 500 ग्राम, आधा किलो प्याज, जिंजर पेस्ट 2 टेबलस्पून, गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून, हैंडफुल ऑफ खड़े गरम मसाले। हाथ में आपके जितने आ रहे हैं मसाले, मिक्स खड़े गरम मसाले, उतना आप इसको डाल लें। तो पहले हमने दाल को अच्छे से गलाया है, नेक्स्ट प्रोसेस है आपका मटन को गलाना है। हल्दी इसमें जाएगा 1 टीस्पून, ऑयल जाएगा 1/4 कप, और आपको इसे इतना पका लेना है कि गोश्त पूरा गल जाए। पहले हमने जो दाल चावल ये सब किया था उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल के आपको बॉईल करना है। ठीक है, वो प्रोसेस हमने नहीं दिखाया है बिकॉज दैट इज़ अ वेरी लेंथी प्रोसेस, 8-12 घंटे का प्रोसेस है, बट आप इतने स्मार्ट है कि आप बना लेंगे, आई एम श्योर। ओके, तो ये आपका हो गया दाल अलग से, ये हो गई आपकी मटन, तो मटन को आपको अच्छे से गलाना है। सो गाइज, डोंट वरी, आप बिल्कुल टेंशन नहीं ले, बिल्कुल परेशान मत होइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखें हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई है, कितना देर किसे रखना है, सब चीज़ जो है वो दिया हुआ है। पानी में इसलिए डाल के चेक किया है ताकि मटन जो है अच्छे से पता चले कि गला है या नहीं, मटन एकदम टेंडर हो जाए। बाकी के सारे मसाले आपको डालने हैं। रेड चिली पाउडर है 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर जाएगा 1.5 टीस्पून, ठीक है, देगी मिर्च जाएगा 1 टीस्पून। अगर आपके पास देगी मिर्च नहीं है तो रेड चिली पाउडर का जो क्वांटिटी है वो 2.5 टीस्पून कर दीजिए। गरम मसाला जाएगा इसमें 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून, ठीक है, ये है देगी मिर्च। ओके, अब ये सब मिला के आपको इसे अच्छे से भूनते रहना है। ऐसा नहीं कि बॉईल कर दिया, दो चीज़ बॉईल कर दिया और उसके बाद मिक्स करके इसको सर्व कर दिया, ऐसे नहीं होता है। आपका एक प्रोसेस होता है तो वो प्रोसेस आप फॉलो करिए। ये एकदम केटरिंग स्टाइल खिचड़ा है गाइस, सो दिस मेकिंग यू वोंट बी गेटिंग एनीवेयर एक्सेप्ट ज़ैनब कुक हाउस। सो आपने देखा मटन को एक कोरमे के शेप में लेकर आना है कंसिस्टेंसी, उसके बाद आपको ये दाल जो आपने बॉयल किया हुआ है अलग से उसमें मिक्स कर देना है। ठीक है, मिक्स करके आपको इसे अच्छे से रख देना है। सो अभी आपको लगेगा कि ये बहुत पेल येलो है, बट ये जैसे जैसे पकेगा इसका कलर जो है कंसिस्टेंसी भी चेंज होगा, कलर भी चेंज होगा। यू कैन सी द कंसिस्टेंसी नाउ, इट इज़ अ लाइटिश गोल्डन ऑरेंजिश कलर है इसके अंदर। मटन को आपने पहले ही पका लिया है, इसमें आपको डालना है फ्रेश धनिया पत्ती, बारीक बारीक कट करें, अच्छे से उस पर डालें। ओके, अब इसमें और कुछ मसाले जाएंगे, ये है सॉल्ट का पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर, तो ये आपको ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 1/2 टीस्पून डालना है। ओके, मैंने आपको 1.5 किलो तक का ये बताया है मेकिंग, तो आप उस हिसाब से इसे डालें। ये है सौंफ का पाउडर, पहले सौंठ डाला है, अभी सौंफ डाला है। फर्स्ट इज ड्राई जिंजर पाउडर, नेक्स्ट इज फेनल पाउडर 1 टीस्पून। ये है आमचूर पाउडर, आमचूर पाउडर आपको डालना है 1.5 टीस्पून। खटाई का जो मामला है इसमें थोड़ा ज़्यादा है, तो आप जिसको पसंद नहीं है, जिसे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, तो वो स्किप कर सकते हैं। ओके, ये है इमली का पानी, तो इमली का पानी जब इसमें जाता है तो इसका टेस्ट जो है वो एनहेंस हो जाता है। अराउंड 2 टेबलस्पून आपको डालना है, ठीक है, 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा
टैमरिन वाटर, इसके बाद जाएगा फ्राइड ओनियन। तो इसका कोई हिसाब नहीं है, फ्राइड ओनियन आप कितना भी डाल सकते हैं, आप 1/4 कप डाल सकते हैं, आप हाफ कप भी डाल सकते हैं इसके अंदर, प्रिफरेबली यू नीड टू पुट 1/4 कप। अब यह है लेमन जूस, फ्रेश लेमन जूस डालना है अराउंड आपको, जितना आपने इमली का पानी डाला था उतना ही आपको ये डालना है, 2 टेबल स्पून। घी इसका भी कोई हिसाब नहीं है, जितना घी आपको डालना है, जितना पसंद करते हैं आपके घर पे आप उतना डाल सकते हैं, बट मिनिमम 3 टेबल स्पून इसमें जाएगा। ये बहुत ही हैक्टिक ये है, इतना इजी नहीं है बनाना, बट अगर आप पहले से प्लान करोगे, भिगो के रखोगे तो सब चीज़ फटाफट बन जाती है प्रेशर कुकर में। अब इसका एक तड़का प्रिपेयर करना है, तो तड़के में ऑयल डालना है, थोड़ा सा प्याज, जीरा, उसके बाद जाएगा इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन और रेड चिली पाउडर। तो इससे इसका क्या था, इससे एक तरी आती है। बस आपका तड़का रेडी हो गया, आपका खिचड़े पे आपको उसे डाल देना है, अगर आप सर्व करते वक्त डालोगे तो और अच्छा है। सो गाइज, आई होप आपको ये खिचड़ा का जो मेकिंग है वो पसंद आई होगी। दाल वगैरह का जितना भी क्वांटिटी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ज़ैनब कुक हाउस को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट मेकिंग के साथ, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।